नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, यूँ कहें तो इस वीडियो में आपके आने वाले जीवन की ऐसी सटीक भविष्यवाणी होने वाली है जिन्हें अगर आप जानेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूँ कहें तो दोस्तों अब आपके जीवन के सबसे बड़े राज से पर्दा उठने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को आप मुंह पर ताला लगाकर भी देखिएगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में बताई गई जो भी सच्चाई है आपके जीवन काल में, इसे दोस्तों आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, किसी और के साथ कहीं और पर उजागर न होने दें। जय दोस्तों जाने अनजाने में अगर यह बात किसी और को पता चल गई तो दोस्तों वहीं से आपकी बुरे दौर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बताई गई हर एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों इस वीडियो में जो भी हम महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आने वाले समय में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रहों की बदलती चाल आप शिविर के जीवन काल में कई प्रकार के बदलाव किए हैं। यश में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है बहुत ही शुभ स्थिति है और इनके साथ ही देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद आप शिविर के जीवन काल में मिल रही है, जिससे दोस्तों समाज में भी आपका मान सम्मान और इज्जत पर प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। शायद दोस्तों आपको बता दें कि यश में ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है और दो शुभ योग का यश में निर्माण भी हो रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महालक्ष्मी योग का यश में जो निर्माण है आप शिविर के जीवन काल में धन से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करेगी और आप शिविर के जीवन काल में पेशों को लेकर जो भी आर्थिक तंगियां हैं यश में खत्म होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो में आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी कि आने वाले समय में आपके जीवन काल में आपके कौन से राशि पर्दे उठने वाले हैं, कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं, साथ ही यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान भी रहने होंगे, घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या सुधार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा, उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, गुरु जी का और अपनी माता का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मैं तुरंत जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि आने वाले समय में आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों दोस्तों जो होने वाला है वही होगा, जो होता है वह अच्छा ही होता है, इसलिए दोस्तों वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। जी दोस्तों, जो भी घटनाएं आपके जीवन काल में हो रही है वो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों बुरे कर्म नहीं करने पड़ते हैं, वो तो हो जाते हैं, और दोस्तों अच्छे कर्म नहीं होते हैं, उन्हें हमें करने पड़ते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों का यश में आप ध्यान रखें, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले शो में आपके जीवन काल में कौन से राशि पर्दे उठने वाले हैं। दोस्तों यश में कुछ दिक्कतें आने के बावजूद भी आपका सकारात्मक दृष्टिकोण व फिर संतुलित व्यवहार बना रहेगा तथा दोस्तों अपने कार्यों को संपन्न करने में भी आप यशमय सक्षम रहेंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और इसके बाद दोस्तों यशमय आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो किसी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल इसमें टाल दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कभी कभी आपका ध्यान जो है कुछ गलत कार्यों के प्रति प्रेरित हो सकता है, अपने विचारों को सकारात्मक कार्यों की तरफ लगाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। साथ ही दोस्तों यशमय भाइयों के साथ चल रहे किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप कई प्रकार की गतिविधियों में यशमय व्यस्त रहेंगे। साथ ही दोस्तों सामाजिक दायरा भी यशमय आपका बढ़ेगा, लोगों के साथ प्रवाह न करके आप स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपको यशमय नई उपलब्धियाँ भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों यशमय इन पर जरूर ध्यान दें, रुकी हुई पेमेंट भी कलेक्ट करने के लिए जो समय होंगे जो दिन होंगे आपके लिए अति उत्तम दिन होंगे। साथ ही दोस्तों यशमय ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है, इसलिए दोस्तों मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से भी यशमय दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए जरूरी होंगे। दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों की राय भी यशमय आप अवश्य लें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जीवन में आपको किस दिशा में प्रगति चाहिए इससे संबंधित विचार आपके लिए जो है क्लियर हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें यश में किस तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है
यह पूरी तरह से आपको जान पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि काम करते करते ही आपको आगे का मार्ग भी प्राप्त होने वाले हैं, और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगी, आपकी दिनचर्या के लिए समय होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों दूसरों के दुख दर्द और तकलीफ की सहायता करना आपका विशेष स्वभाव होता है, और यशमी आप किसी की सहायता भी करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान भी यशमी बढ़ेगा। अगर किसी विशेष कार्य को पूरा करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों वह अवश्य सफल होगी। संतान की किसी उपलब्धि से मन में भी सुकून और खुशी रहेगी, और उसके उपरांत दोस्तों यश समय जमीन जायदाद अर्थात वाहन संबंधी कोई भी मसला चल रहा है, किसी प्रकार की समस्या इनमें उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान होने की भी आशंका लग रही है, इसलिए दोस्तों यश में किसी पर ज़्यादा विश्वास ना करें। कुछ आकस्मिक खर्चे भी सामने आएंगे तो दोस्तों इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको संयम रखने की आवश्यकता होगी। और उसके उपरांत दोस्तों यश समय आपके लिए समय होगी। आपको बता दें कि दोस्तों यह समय जो बातें अब तक रुक रुक कर हो रही थी दोस्तों वह बातें आपके लिए आसान होंगी। प्रॉपर्टी संबंधी आपका निर्णय आगे बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको काम करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। परिणामों के बारे में अधिक विचार न करते हुए आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगे चलकर आपका बड़ा परिणाम आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि युवाओं की कोई दुविधा दूर होने से आपको राहत भी प्राप्त होगी, और इसमें आप राहत की सांस ले सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपको बता दें कि कोई भी फैसला लेने में आपका हिम्मत इसमें बहुत अच्छा रहेगा। यह समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्य उदय संबंधी कोई भी द्वार खोल सकती है, इसलिए दोस्तों इसमें आप गदगदी तरीके से अपने कार्यों को करने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपको बता दें कि अपनी वाहनी में कटुता न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इसकी वजह से आप जो है आपको अपयश जैसी स्थिति भी बन सकती है, इसलिए दोस्तों इससे आप सावधान हैं। पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में खटास न आने दें। घर में अचानक मेहमानों के आने से कोई महत्वपूर्ण काम भी रुक सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसायिक गतिविधियाँ सुदृढ़ रहेंगी। दोस्तों विस्तार संबंधी कोई योजना भी हाथ में आ सकती है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर जो हावी न होने दें, अपने व्यवसाय पर हावी न होने दें। दोस्तों यश में प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी बड़ा डील हो सकती है, इनकी संभावना बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए समय होंगी, आपके करियर के लिए जो समय होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां भी प्रदान करेंगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि राजकीय मामलों को लेकर सचेत रहें। बॉस व फिर किसी उच्च अधिकारी से कहा सुनी भी हो सकती है। व्यर्थ के बाद व्यर्थ से आपको इसमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये आपके लिए आपके व्यवसाय के लिए उचित होंगे, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें जो है व्यवसाय में अगर स्थान परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों समय अनुकूल है, किसी रुके हुए कार्य को बनने की समय भी आ गई है दोस्तों, जिससे आर्थिक समस्या भी हल होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के पदोन्नति के अवसर भी बन रहे हैं, इसलिए दोस्तों अपने कार्यों को जो है पूरी निष्ठा से करें, क्योंकि दोस्तों बॉस की नज़र इसमें आपके ऊपर रहेगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें, जो कि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों अभी कार्यक्षेत्र में कोई भी उचित बदलाव आने की संभावना नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें वर्तमान में जैसा चल रहा है उसी को बेहतर बनाने का प्रयास करें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों इसमें पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। नजदीकी संबंधियों के साथ कोई मेल मुलाकात जो है परिवारजनों को खुशी प्रदान करेगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल भी रहेगा। किसी के विवाह संबंधी बातचीत भी बन सकती है, या फिर विवाह योग्य व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी इस समय आ सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि पति पत्नी के संबंध इसमें मधुर रहेंगे, घर में भी सुव्यवस्थित तथा अनुशासित वातावरण बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इस समय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि कुछ समय से आप अपनी व्यवस्था के कारण अपने वैवाहिक जीवन को जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, परंतु पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति श्रद्धा व फिर प्यार इसमें बना रहेगा।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों नकारात्मक विचार हावी न होने दें, इनसे आपका कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी और शारीरिक ऊर्जा में भी आपको कमी आएंगी। इसलिए दोस्तों इनसे सावधान रहें और मेडिटेशन व फिर योगा पर आपको कुछ समय इसमें अवश्य देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय कब्ज या फिर गैस की समस्या होने से पेट में भी दर्द आदि की समस्या रहेगी। देसी चीज़ों का अधिक से सेवन करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि अंत में स्वास्थ्य आपका ठीक होगा। डायबिटीज लोग लापरवाही ना बरतें, मेडिटेशन व फिर व्यायाम में अपना ध्यान लगाएं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए इसमें बेहतर होंगी। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगी, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें।